सो हेलो गाइस, तो कैसा सभी लोग, आप सबका स्वागत है आज के इस नए वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले कि भाई अपने इंडिया में मतलब बहुत सारे बंदे होते हैं भाई जिनके पास लो एंड डिवाइस है, अच्छा डिवाइस नहीं खरीद सकते, लेकिन उनको फ्री फायर खेलना है। बट क्या होता है भाई, बहुत ज़्यादा लैग करता है, जैसे 1 GB रैम का डिवाइस होगा, 2 GB रैम का डिवाइस होगा, तो इन पे गेम जो है अपना बहुत ज़्यादा लैग करता है, वो अपना खेल पाते अच्छे से ना हेडशॉट मार पाते हैं। उनके लिए आज गाइस पूरा वीडियो बनाया कि कैसे आप लोग लैग फेस कर सकते हो, एकदम अच्छे से खेल पाओगे भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मस्त चलेगा गेम। बस वीडियो को पूरा देना तो स्किप मत करना। तो हम लोग क्या बात कर रहे थे कि भाई वो लोग गेम नहीं खेल पाते हैं वगैरह एक्सेट्रा, तो उन्हीं के लिए आज सॉल्यूशन लगाया है भाई वीडियो में। तो भाई 1 GB रैम 2 GB रैम इन पर डिवाइस खेलते हो भाई, होता क्या है कि गेम लैग करता है, एनिमी के सामने जाते भाई गेम चिपक जाता है, मर जाता है भाई, राउंड हट जाता है, बहुत गुस्सा आता है, मन करता है भाई फोन ही फेंक दे भाई। मेरे साथ भी होता है, ऐसे आप लोग देख ही पा रहे हो भाई बैकग्राउंड में 2G नाम का गेम नहीं चल रहा है, बट लैग बहुत कम देखने को मिल रहा है और हेडशॉट भी इजीली हो गया क्योंकि मैंने 3.5 सेटिंग्स वगैरह करके रखे हैं। आप लोग कर लोगे तो मस्त चलने लगा गेम, तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना। तो चलिए इसी वीडियो को स्टार्ट करें। तो भाई आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं अपने फ़ोन पैच हुआ प्रोफाइल, सॉरी फ़ोन पर नहीं गेम पे, तो गेम पैच हुआ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग गेम की सेटिंग्स, गेम में क्या सेटिंग्स रखनी है, तो सेंसिटिविटी आप लोग को सब कुछ फुल रखना है, स्नाइपर स्कोप का कम रखना है जितना आप लोग क्या रखते हैं, स्नाइपर स्कोप का अपने हिसाब से ठीक है। और ये हो गया, और ये इनकमिंग कुछ कम नहीं है, आपको आ जाना है डिस्प्ले के ऊपर। डिस्प्ले में आप क्या आप के आपको स्मूथ ग्राफिक्स पे खेलना है, स्मूथ ग्राफिक्स पर। और FPS आप चाहो तो हाई रख सकते हो या नॉर्मल पे खेलो, मैं रिकमेंड नॉर्मल करूँगा, बट हाई पे क्या हो आप लोग के वो सही रहता है। ये तो भाई गेम की सेटिंग्स की बात हो गई, तो अब आ जाता है फ़ोन की सेटिंग्स ऊपर। तो देख सकते हैं अभी मैं फ़ोन की सेटिंग्स पर आ चुका हूँ, और फ़ोन की सेटिंग्स में आपको क्या करना है, सिस्टम में जाना है, देन मैं आप लोग को दिखाऊँ पहले कौन सा डिवाइस है, डिवाइस नेम M01 कोड। तो और फिर आप लोग आ जाए डेवलपर ऑप्शन में, और सबके फ़ोन पास में डेवलपर ऑप्शन नहीं है, तो उनको अबाउट फोन में जाके बिल्ड नंबरों को उस पर 8 to 10 times टैप करोगे तो आप लोग को आ जाएगा डेवलपर ऑप्शन सिनेबल। तो इसमें देख लेते हैं डेवलपर में क्या करना है, आप लोग को नीचे आ जाना है, यहाँ पर आप लोग देखें गेम ड्राइवर, तो इसमें तो आप लोग सब कुछ मैंने बता रखा भाई, सबको गेम ड्राइवर पर रखना है अपनी गेम है। और फिर आता है सिस्टम ट्रेसिंग के ऊपर, तो सिस्टम ट्रेसिंग में आप लोग का क्या करना है, ये जो होगा ना आप लोग का पर CPU बफर साइज, ये आप लोग का मैक्स कर देना, जितना होगा 60,000 कुछ उतना कर देना, और फिर लॉन्ग ट्रेसेस को इनेबल करके 20 GB सेट कर देना, आप लोग का डिजेबल होगा। तो भाई इसमें इतना ही था, आप लोग को यहाँ से बैक कर लेना है, बैक करके नीचे जाना है, और नीचे जाना है, खाने की नीचे जाना पड़ जाती है ना। और आप लोग को देखने को मिलेगा ये 3 स्केल देखने को, विंडो एनिमेशन स्केल, ट्रांजिशन एनिमेशन स्केल, तो इन सभी को आप लोग को ऑफ कर देना ठीक है, ये तीनों चीज़ ऑफ कर देना। मैंने सारी वीडियो सुनता रखी है, तो वापस से बता दे रहा हूँ ठीक है। ये सब करने के बाद आप लोग आया डोंट कीप एक्टिविटीज के ऊपर, ये डोंट कीप एक्टिविटीज को आप लोग को इनेबल कर दो, और ये जो ये बैकग्राउंड प्रोसेस लिमिट है ये आप लोग मिनिमम एटमोस्ट 1 प्रोसेस कर दो, या मैं तो नहीं कर सकता गाइस, मुझे रिकॉर्डिंग अगर सब कुछ करना होता तो सब नहीं हो पाएगा, तो आप लोग ये कर देना, तो आप लोग को मतलब बैकग्राउंड में कुछ नहीं रन करेगा तो गेम एकदम स्मूथ चलेगा। तो इतनी ही बस फोन की सेटिंग्स की थी, और अब आ जाते हैं यहाँ से बैक। तो बैक आप क्या आप लोग क्या करना है कि रैम में चले जाना है, स्मार्ट मैनेजर में आके अपनी जो रैम को है स्टोरेज को है वो क्लीन कर देना, और स्टोरेज क्या करना बहुत कम रखना भाई, बहुत कम यूज़ करना, तभी आप लोग का गेम स्मूथ चलेगा, स्टोरेज जितना खाली रहेगा भाई उतना अच्छा चलेगा। तो अब उतना करने के बाद आप लोग को फ़ोन को रिस्टार्ट कर देना, आप लोग का लैग फिक्स एकदम सही हो जाएगा, लैग नहीं करेगा फ़ोन, एकदम लैग फिक्स हो जाएगा, और अभी भी नहीं हो रहा है लैग फिक्स। एक परमानेंट सॉल्यूशन मैं लाता हूँ आप लोग के लिए, देखो परमानेंट सॉल्यूशन क्या है, आप लोग अपने फ़ोन को रीसेट कर दो, अगर रीसेट कर दोगे आप लोग का सारा डाटा उड़ जाएगा, बट फ़ोन एकदम सही हो जाएगा, लैग नहीं करेगा। तो चलेगा आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तक के लिए बाय बाय, टाटा गुड बाय, सायोनारा।